नमस्कार दर्शकों, हम अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी इनफर्टाइल कपल में कैसे डिसाइड किया जाता है कि IVF करने की ज़रूरत है कि नहीं। आज हम इस बात को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिनमें IVF या ICSI करने की ज़रूरत होती है, ये हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है एंडोमेट्रोसिस। एंडोमेट्रोसिस यानी कि चॉकलेट सिस्ट ऐसी बीमारी है जिसमें IVF करने की ज़रूरत काफ़ी जल्दी पड़ सकती है। एंडोमेट्रोसिस में जो लेडी के नॉर्मल पीरियड्स होते हैं वे पीछे चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर सिस्ट बना लेते हैं, और वही सिस्ट बार बार ब्लीड करती हैं तो लेडी को सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पीरियड्स में पेन होना या अल्ट्रासाउंड में सिस्ट का बताया जाना या फिर और भी काफ़ी सारी दिक्कतें इसमें आती हैं। अगर इन पेशेंट्स में ट्यूबें चेक की जाएँ तो काफ़ी हद तक खुली आती हैं, मगर इसमें जो ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो ट्यूब है वो कहीं और पड़ी होती है, ओवरी कहीं और होती है और सारा शरीर जुड़ा सा होता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। ऐसे पेशेंट्स में हम स्कैन करते हैं और AMH करके डिसाइड करते हैं कि क्या इनको सर्जरी की ज़रूरत है या क्या इनको IVF की ज़रूरत है। और अगर सारी चीज़ें फेवरेबल हों तो ऐसे पेशेंट्स में IVF में अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं जो अदरवाइज इनको नहीं आ सकते। तो एंडोमेट्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम एडवाइस करते हैं कि आप एक IVF स्पेशलिस्ट से जांच करवाएं, जिसमें वो चेक करें कि क्या वाकई आपको IVF करवाने की जल्दी से जल्दी ज़रूरत है या नहीं है। दूसरा इंडिकेशन है ट्यूबल फैक्टर। ट्यूबल फैक्टर यानी कि ट्यूबों का बंद होना। अब कुछ ट्यूबल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे कि किसी की बचपन में अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है या पेट खोल के ऑपरेशन हुआ है या पहले ट्यूबों में प्रेगनेंसी रही है, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं, और उसकी सर्जरी हुई है। तो जो ट्यूबों में प्रेगनेंसी होकर ट्यूब निकली होती है उसमें जो है कई बार दूसरी ट्यूब भी काम नहीं कर रही होती, तो हमें उन कंडीशंस में IVF करने की ज़रूरत पड़ती है। ट्यूबों का बंद होना और भी कारणों के कारण हो सकता है, जैसे कि लेडी को इन्फेक्शन होना जिसके कारण ट्यूबों के टेस्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं जैसे कि HSG या फिर जो है दूरबीन के ऑपरेशन द्वारा अगर पता चलता है कि ट्यूबें बंद हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को भी IVF की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें हम ट्यूबों को बाईपास करके फर्टिलाइजेशन बाहर करके और बेबी को यूट्रस में डाल सकते हैं। और जो इंडिकेशन है जिसमें IVF करने की ज़रूरत होती है वह है मेल फैक्टर। अगर मान लीजिए आदमी के जो सीमन एनालिसिस में शुक्राणु टेस्ट में कमी आ रही है तो उसमें भी IVF या ICSI करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो ये है, ये सीमन एनालिसिस रिपीट करवाते हैं हम दवाई देकर, अगर सीमन एनालिसिस रिपीटेडली कम आ रहा होता है तो हम इसमें IVF करने की जो है एडवाइस देते हैं। कुछ ऐसे कारण होते हैं जैसे कि कुछ लेडीज़ के पीरियड्स बंद हो जाते हैं जिसमें उनका AMH लो होता है, या उनको एक्चुअली मीनोपॉज हो गया होता है, या हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके पहले बच्चे थे और उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई या उनकी डेथ हो गई तो वह बेबी दोबारा लेने के लिए वापस आते हैं। ऐसे पेशेंट में भी IVF डोनर एग IVF करके हम उनको प्रेगनेंसी कर सकते हैं। जब AMH लो होता है उसमें जब हम स्कैन करते हैं तो हम उसके द्वारा डिसाइड करके बताते हैं कि आपको खुद के एग से IVF करना चाहिए या आपको डोनर एग के द्वारा IVF करने की ज़रूरत है। तो जो लास्ट इंडिकेशन है जो बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोगों में होती है और जिसमें डिसाइड करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, वह है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का मतलब है कि शुक्राणु टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होंगे, लेडी का अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल होगा और उसका AMH जो है वो बॉर्डरलाइन हो सकता है, मगर ट्यूबें खुली होंगी। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो पेशेंट को IVF करवाने में थोड़ी झिझक होती है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि हमें कोई कारण नहीं है तो हम IVF भी क्यों करवाएं, या IVF करने से हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं। ऐसे पेशेंट्स को हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं, पर ये जो क्लियर वर्ड्स में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी नहीं होती है, ये अनएक्सप्लोर्ड इनफर्टिलिटी होती है, जिसका मतलब है कि कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, मगर कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो ऐसे पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसमें ट्यूब जो है वो एग उठाती है, मगर ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो पता पाए कि ट्यूब एग उठा रही है या नहीं।
फिर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बॉडी में हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हमें कभी पता नहीं चल सकता, या एग और स्पर्म की मुलाकात हो रही है या नहीं हो रही है ये भी हमें किसी टेस्ट से नहीं पता चल सकता। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी में नहीं हो रही होती मगर इनमें IVF करके ही पता चल सकता है कि अगर कि रूल आउट करते हैं, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो गया इसका मतलब है कि इसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी थी और ये प्रेग्नेंट हो गया IVF के द्वारा। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जो है वो 30% तक जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें हो सकती है जिनमें कोई कारण नहीं होता। तो इसको कैसे डिसाइड किया जाए कि कब IVF करना चाहिए? तो कोई भी पेशेंट है जो साल भर तो हम वैसे ही उनको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते ट्रीटमेंट करने में, पर हम 1-2 साल उनमें एग बनने की दवाई देकर और ट्राई नेचुरली या IUI वगैरह करके देखते हैं, और अगर 6 महीने साल में उसके बाद भी पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होता तो हम तुरंत IVF की एडवाइस देते हैं। इन लोगों में प्रॉब्लम ये आती है कि ज़्यादातर लेडीज़ की एज हायर साइड पर चली जाती है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि 24-25 साल पे पता चला कि बेबी नहीं हो रहा और कोई कारण नहीं है तो लोग काफ़ी सालों तक इंतज़ार कर लेते हैं। उनमें कुछ लोग लक्की भी रहते हैं जिनको अपने आप से भी प्रेगनेंसी हो जाती है कुछ साल इंतज़ार करने के बाद, मगर जो रह जाते हैं वो जो 30-35 साल पर जब IVF करवाने के लिए आते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि ये अगर पहले करवा लेते तो ज़्यादा अच्छे रहते, क्योंकि IVF में सक्सेस रेट में सबसे ज़्यादा जो लिमिटिंग फैक्टर या कह लीजिए कि सक्सेस के चांसेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा उन लोगों में होती है जिनकी उम्र कम होती है। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक इंतज़ार करना चाहिए। अगर 3 साल तक नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो एक IVF सेंटर में जाकर सलाह मशवरा करना चाहिए। तो IVF की कुछ ऐसे भी इंडिकेशंस आजकल आ रहे हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको यंग एज में कैंसर वगैरह की दिक्कत होती है या कैंसर की सर्जरी होनी होती है जिसमें वह फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन यानी कि अपने जो बेबी बनाकर या अपने जो है खाली एग या स्पर्म्स भी फ्रीज करवाने के लिए IVF सेंटर में आते हैं। अगर ये लोग मैरिड हों तो हम इनके IVF करके एम्ब्रियोज फ्रीज कराना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके सालों साल बचे रहने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी कुछ रेयर इंडिकेशंस हैं जिसमें हम IVF करते हैं, जिसमें हमें तुरंत IVF करना पड़ता है सर्जरी वगैरह करवाने से पहले। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि IVF की कुछ इंडिकेशंस हैं, कुछ पेशेंट्स जो हैं उनको IVF की ज़रूरत नहीं होती, वह IVF करवाना चाहते होते हैं तो हम उनको सलाह देते हैं कि ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें IVF की बड़ी क्लियर कट इंडिकेशन होती है पर वह मानते नहीं, वह कहते हैं हमने नहीं अभी IVF कराना तो हमें अभी और ट्राई नेचुरली करना है। तो मैं ऐसा कहती हूँ कि अगर ऐसी बात हो कि हम प्रेगनेंसी से जूझ रहे हैं तो या प्रेगनेंसी होने की हमें दिक्कत हो रही है तो हमें एक IVF स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए जो सारा केस स्टडी करते हैं, कुछ आपके साथ समय लगाते हैं, 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक एक पेशेंट की प्रॉब्लम समझने में ही समय लग जाता है, वह समझते हैं फिर आपको बताते हैं कि आपका क्या रूट प्लान होना चाहिए, आपको किस रूट प्लान के द्वारा आगे चलना चाहिए और उस रूट प्लान के ही द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते प्रेगनेंसी तक पहुँचा जा सकता है। कभी भी आपको फर्टिलिटी की दिक्कत हो तो एक अच्छे नज़दीकी IVF कंसल्टेंट के साथ मुलाकात करें और फिर उनसे ही आगे प्लान बनवाएं कि क्या करना है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।